तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम बैक टू चैनल जेएमडी एकेडमी। आज हमारे साथ है सुधांशु कुमार। yes. सुधांशु कहाँ से हो? सर बेसिकली मैं झारखंड से हूँ, रांची। झारखंड से ऑलरेडी वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आने से पहले यहाँ जब मैं बिना आपके पूछे मैं बताता हूँ, आपने भी इंटरनेट पे हमें सर्च किया होगा, बनीत सर की वीडियो देखी होंगी। झारखंड से एक हमारा स्टूडेंट था लक्ष्मण मुंडू, क्या वीडियो देखा उनका? देखे सर। देखे, इंस्पिरेशनल वीडियो था कि नहीं था? तो अब वापस इस फील्ड में आते हैं। आप जब झारखंड से यहाँ उत्तराखंड ऑल ओवर आए ट्रैवल करके, तो क्या माइंडसेट था दोस्त ज्वाइन करने के लिए? बेसिकली मेरा ड्रीम था इंडियन नेवी ज्वाइन करना, बट सम मेडिकल फिट कारण के मुझे ज्वाइन नहीं कर पाया उसको। okay. तो फिर ऑनलाइन में सर्च कर रहा था इसके मर्चेंट नेवी के बारे में, तो मर्चेंट नेवी डिकोडेड से जब नंबर मिला उर्वला गांव का, तो सपोर्ट करी कि यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी बिकॉज इट्स द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तब मैंने पापा से बात करा कि मुझे भी ज्वाइन करना है, क्योंकि इवन नेवी साइड मतलब नेवी तो रही है सेकंड लाइन डिफेंस बोले तो। बोले ठीक है, अगर तुम तेरा ड्रीम है तो मैं ऑब्वियसली पूरा कर ही दूंगा तुम्हारे लिए। तो फिर बात करते करते मैं बोली कि आप आ जाओ मेरे पे ऑफिस में, फिर बात करते, फिर एडमिशन कर लेने आके, फिर आगे हमने तो एडमिशन कराने आए थे। तो पेरेंट्स को लेके आए थे? पेरेंट्स को लेके आए थे, पापा। तो यहाँ जब वो आए, उन्होंने मिला मैम से, मिले, उन्होंने समझाया कि कैसा प्रोसीजर रहेगा, कितनी पढ़ाई करनी है, बच्चा जाएगा, क्या सैलरीज रहेंगी, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज सब थोरली समझाया था। चलो दैट्स गुड। तो जब आप यहाँ आए, आपने ऑनलाइन देखा, मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड चैनल से आप यहाँ आए और फिर यू ज्वाइन दी अकेडमी, क्या लगता है आपको कि हायर मेरा डिसीजन सही था? जब हम बिल्कुल सही था, मतलब घर से मतलब कर रहा था, बट उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि मतलब एग्जाम तो मैं दे रहा था, बट आगे प्रोसीजर मेरा क्या होगा आई डोंट नो, मतलब पता कुछ नहीं था। फॉर्म्स कब आते हैं, स्पॉन्सरशिप कब भरनी है, उनकी स्पॉन्सरशिप कैसे क्रैक करनी है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एमएससी में सिलेक्शन भी हो रखा है। तो घर से ठीक है, आपने बोला घर से आप फॉर्म दे रहे थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब आप तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन एक पाथ जो है ना, करेक्ट पाथ की कैसे है करना है वो नहीं मिलता। जैसे सर एग्जांपल के तौर पर जैसे एमएससी में सिलेक्ट हुआ, बट मुझे पता नहीं था कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा अचीवमेंट होता लेता है कि वो अचीवमेंट्स लेते हैं लेते हो। तो फिर यहाँ पे बंदलोग से बात करके पता चला कि अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमएससी के लिए। तो मैंने अपना अचीवमेंट सब इकट्ठा करा, अपने स्कूल से निकाला सर्टिफिकेट सब जितना कुछ था, तो बोलिए या सो देखिए। तो हर चीज़ का एक फ़ायदा है व्हेन यू आर जॉइनिंग अ ब्रांड लाइक, अगर आप जेएमडीआई ज्वाइन कर रहे हैं, you are getting not only what I say that sound in studies, yes, but एक overall development होती है आपकी, right? yes, आप hostel में रहते हैं? yes sir, hostel। तो hostel की discipline बहुत है? बिल्कुल sir। तो कभी ऐसा है कि discipline में वो हुआ डांट पड़ी हो, कभी ऐसा rule थोड़ा? sir कि means मैं उठा तो मुझे late से उठा था, तो reporting हो रहे थे बाहर में, तो मैं अपना bed से मतलब arrange नहीं करा था, तो मैं directly निकल गया। तो फिर आए warden check करने के लिए, बोली ये क्या कर रहा है तुम, एक सप्ताह के लिए मुझे मतलब बैन कर दिया कि तुम घर से नहीं निकल सकता है। वो लोग सी ऑल दीज थिंग्स आर प्रिपेयरिंग यू टू, जब आप कॉलेज जाएंगे, जब आप शिप पे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनबोर्ड हेल्प ही करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं पहले हफ्ते में कि यार जेएमडीआई में डिसिप्लिन बहुत है यार, क्योंकि एक्चुअली सर मैं नवोदय से पढ़ा हुआ, तो मुझे वहाँ भी सपोर्ट मिल रहा कि कैसे सीनियर को हैंडल करना, बात कैसे करना, क्या रिस्पेक्ट कैसे करना। फिर वो भी सेम मेंटेलिटी यहाँ भी वही है कि मैनेज किस टाइप से करना, सेम डायरेक्ट सेम इसी तरह होता है ना कि कैप्टन से कोई बात करने पर मतलब उसको करना ही, मतलब डिले उसको नहीं करना, डायरेक्ट टाइम टू टाइम, इट हैज टू बी ऑन टाइम ऑल टाइम। तो जैसे आप अभी एक आधी क्लास मिस भी कर देते हो, घर फोन चला जाता है, तो स्ट्रिक्टनेस बहुत है यहाँ। तो देखिए स्ट्रिक्टनेस है तो आपकी बेहतरी के लिए है, राइट? तो इट्स डे बाई डे मेकिंग यू गुड ह्यूमन बीन एंड एक डिसिप्लिन पर्सन मारे, जो आपको वही अगेन कॉलेज में भी हेल्प करेगा और ऑन बोर्ड भी हेल्प करेगा, राइट? तो और कभी ऐसा लगा कि और इसके बाद कभी फिर पनिशमेंट मिली दोबारा? सर चांस तो नहीं दिया सर मैंने दोबारा। गुड, दैट्स रियली गुड, चांस नहीं दिया। तो कमिंग ऑन टू द एकेडमिक्स पार्ट, तो आप जब यहाँ आए तो आपको क्या क्या अच्छा लगा कि यार एकेडमिक्स कैसा है मेरा, आपका कॉन्फिडेंस? इसका फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो बंदा लोग सपोर्ट करते थे कि अगर मीन सर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हो रहा, तो पहले अपना फ्रेंड से जोन से पूछो कि आप क्वेश्चन पढ़ रहा है कि नहीं, उसके बाद टीचर के पास जाना पड़ता हम लोग। तो फिर ये ग्रुप्स वो सही लगा ये, क्योंकि पहले मतलब जो इक्वलिटी होती है जो अच्छा लगा। तो कभी ऐसा सेशन हुआ कि क्लास के बाद कभी 8 बजे पढ़ाई कर रहे हो रात को और डाउट आ गया और टीचर को पूछा, तो कभी ऐसा हुआ? हाँ सर, डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, तो ऐसा है ना, जवाब आया होगा ना? बिल्कुल। तो इवन
इन अ क्लास ऑफ 40 से 50 बच्चे अगर आप पीछे छुप के भी बैठे हैं तो आप नज़र से बचेंगे नहीं किसी के। पॉइंट बैक बेंचर के पास ही होती है टीचर की। सो ये देखिए फिर अगेन ये हमेशा आपकी बेहतरी के लिए। एंड हाउ अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड इंट्यूशन? तो जो लोग आपके नेटिव प्लेस से देख रहे हैं एंड जो विश टू ज्वाइन दिस फील्ड, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग रैट रेस हैं, मतलब अगर किसी ने बता दिया तो करना चाहेंगे, उन्हें क्या बोलना चाहिए? जो मैं प्लेस से बिलोंग करता लगभग किसी को पता ही नहीं मशीन होती क्या है। मीन्स एक होती कि फाइनेंशियल इशू के कारण, क्योंकि पैसा तो बहुत है यहाँ पे जो एफर्ड नहीं कर पाता मिडिल क्लास फैमिली लोग। तो करियर अच्छा है, मतलब बेनिफिट भी अच्छा है, मतलब एडवांटेज भी इसमें है, बट अपना फैमिली का तुम लाइफ बना सकते हो इसमें। एग्जैक्टली सी अभी लोगों को लगता है कि यार वहाँ जाएंगे कैसे पढ़ेंगे, हॉस्टल में कैसे रहेंगे, हमने कभी घर ही नहीं छोड़ा। बट ये एक ऐसी फील्ड है कि अगर आपने मन बना लिया और एंड आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, देन यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर योर स्टेट। जस्ट लाइक आप अभी बता रहे हैं कि आपके लोगों को नहीं पता, लेकिन आप आज एमएससी में प्लेस हुए, कॉलेज जाएंगे, फिर शिप ज्वाइन करेंगे। जब आप शिप से पहले यार उतर के जाएंगे ना, तो लोगों के सवाल रहेंगे आपसे भी कि कौन सी फील्ड है, कैसे गए, कैसे क्या होता है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप एक हाइट अचीव करते करते आप कैप्टन बनेंगे, तो आप राउंड अबाउट इतना अर्न करेंगे कि सब लोग आपसे आके पूछेंगे, आपके गाँव से पूछेंगे कि क्या है, राइट? मुझे भी स्ट्रेस थी जब 12th क्लास में पास आउट करा, तो फिर अपने मैथ्स के पवन सर जो एनवीएस के हैं, तो उनसे मैंने बात किया, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, करनी क्या है, बिकॉज होता है ना सर कि IIT करे, JEE करे, या exactly. बहुत कंफ्यूजन था, तो एक साल मैंने ड्रॉप कर। वहाँ कॉम्पिटिशन और ज़्यादा है, यहाँ अब इस फील्ड में भी कॉम्पिटिशन आ रहा है। आ रहा है सर, मतलब अभी है नहीं बट आ रहा है, क्योंकि 23 में MCT मैंने दिया, बट अच्छा रैंक आया नहीं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज हुई, तो प्रिपरेशन कुछ करा नहीं, बट अभी प्रिपरेशन है मेरे पास, तो गुड रैंक भी ला सकते हैं इसमें। और एक मैं सर एक बात कहते सर हमसे कि अगर थोड़ कहते थे हमसे कि अगर बाप गरीब हो तो बच्चा जल्दी अमीर हो, मतलब बड़ा होना चाहता है, क्योंकि देखता है कि घर की स्थिति क्या है, तो भी चाहता है कि जल्दी कुछ कर रहे लाइफ में, क्योंकि पापा लोग भी मतलब बुजुर्ग होते जा रहे हैं और बच्चा बड़ा होते जा रहा है, तो कुछ अगर जीते जी कुछ करने पाए तो सब कोई फ़ायदा नहीं बनता सर बड़े होकर। तो ये फील्ड आपको एक अर्ली स्टेज पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, राइट? यस सर। एंड अगर सी देखिए, अगर फिर वही बात है, अगर आप आए हैं घर बार छोड़ के और एक करियर बनाना है, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी मिलेगी, माँ बाप के कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अर्ली एज से निकाल लोगे, राइट? सर फर्स्ट चीज़ वो मर्चेंट, मतलब नेवी में वो पसंद था उसकी यूनिफॉर्म सब एफिलेटेड स्टार्स था, क्योंकि मेरे जो अंकल है वो रिटायर्ड इंडियन नेवी रिटायर्ड है वहाँ पे, ओके, तो वो सपोर्ट करते थे कि ये बेस्ट जॉब है, मरीन लाइफ बहुत इंक्लाइंड थे इसके वाटर से थोड़ा सा, तो बेस्ट या गुड था जी। सो गाइज यू हर्ड दैट अगर आपको अर्ली एज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, लाइक यू वॉन्ट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, then this field definitely gives you both the things. आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, और अगर मेहनत है, लगन है, then you'll definitely succeed in life, right? Thanks. Thank you so much for watching.